हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आप में से काफी बच्चे फाइनल ईयर में होंगे या फिर रिसेंटली पास आउट हो चुके हैं और फ्रेशर हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फील्ड बताने वाला हूं जहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल प्रोफेशनल की कमी है। तो आप अपने स्किल को यहां पर सीख सकते हैं और एक टॉप एमएनसी में बढ़िया सैलरी पैकेज के साथ जॉब को लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि कौन सा वो फील्ड है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो वो जो फील्ड आपको देखने को मिलेगा डेटा एनालिटिक्स का फील्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब ये होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जितनी भी टॉप एमएनसी कंपनी है उनके खुद का एक डेटा होता है। उस डेटा को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसको कहते हैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट, डेटा रिप्रेजेंटेटिव और डेटा साइंटिस्ट और भी अदर पोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पे नॉन आईटी का है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो किया गया यहाँ पे ग्रेट लर्निंग कैरियर अकेडमी के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ग्रेट लर्निंग का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही रेपुटेबल कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वो सारी स्किल आपको सिखाई जाएगी जिससे आप एक परफेक्टली जॉब रेडी हो सके। साथ ही साथ इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन आपको देखने को मिल जाता है 4 महीने का ही प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका ऑफलाइन क्लासरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे भी जाके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखिए जो इनके ऑफलाइन सेंटर है वो आपको सारी मेट्रो सिटीज में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैंगलोर में देखने को मिल जाता है, हैदराबाद में देखने को मिल जाता है, चेन्नई में देखने को मिल जाता है। और 4 महीने के बाद यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका प्लेसमेंट करवाने में। हम कॉलेज के अंदर भी एक बीटेक की नॉर्मल डिग्री करने के लिए 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, फिर भी प्लेसमेंट का आता पता नहीं रहता। या फिर हम कहीं से भी कोई कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, वहाँ पे अपने को सर्टिफिकेट तो मिल जाता है लेकिन प्लेसमेंट का आता पता नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका प्लेसमेंट करवाने में। अब बात की जाए कि ये बूटकैंप प्रोग्राम आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसको मैं क्लियर करूंगा द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल के द्वारा जो कि रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश किया गया है कि जो 4 महीने का डेटा एनालिस्ट का बूटकैंप प्रोग्राम है वो आपको अपस्किल करता है, आपको एम्प्लॉयबल बनाता है और आपको यहाँ पे जॉब दिलाने में बहुत आपकी हेल्प करता है। और इसके अलावा एक दूसरा आर्टिकल और इन्होंने पब्लिश कर रखा है कि मेरे भाई फ्रेशर को जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जब तक वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करेगा तो उसको जॉब मिलना इस मार्केट सिचुएशन के अंदर मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात की जाए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल से और देख लेते हैं। देखिए जो प्रोग्राम है वो रिसेंटली जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है जिसमें आपका सैलरी पैकेज 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में एवरेज आपको देखने को मिलता है। और 3100 कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है द ग्रेट लर्निंग के थ्रू, और यहाँ पे 6000 फ्रेशर प्लेस्ड हो चुके हैं टॉप कंपनीज के अंदर। और कौन कौन से बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी है जो कि हायरिंग कर रही है यहाँ पे द ग्रेट लर्निंग के थ्रू, उसके बारे में देख लेते हैं। अमेजोन देखने को मिल जाता है, गूगल देखने को मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आपको देखने को मिल जाता है, इंटेल आपको देखने को मिल जाता है, IBM, फ्लिपकार्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इस प्रोग्राम को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, फ्रेशर ग्रेजुएट्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट यहाँ पे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं डेटा साइंस के अंदर वो कैंडिडेट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और एक बढ़िया एमएनसी के अंदर जॉब को लग सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे कि क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बेसिक ऑफ एक्सेल सिखाया जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ SQL, पाइथन एंड टैबलू का जो इंटीग्रेशन रहता है वो आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपको डिटेल SQL प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाएगा, टैबलू सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाने वाली है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि ग्रेट लर्निंग आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है और अदर इंस्टीट्यूट आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है।
उसके बारे में। देखिए, अगर आप ग्रेट लर्निंग ज्वाइन करते हैं तो आपको क्वालिटी आउटकम देखने को मिलता है, आपको जॉब रेडी स्किल सिखाई जाती है, आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड कैरियर सपोर्ट देखने को मिलता है इनके मेंटर्स के द्वारा, इनके टीम के द्वारा। साथ ही साथ अगर एक छोटा सा कंपैरिजन किया जाए ग्रेट लर्निंग और अदर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो जो आपका बैच साइज रहता है वो मैटर करता है। यहाँ पे जो बैच साइज रहता है वो आपका 50 स्टूडेंट का बैच साइज रहता है यहाँ पे ग्रेट लर्निंग के अंदर, और जो अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 200 से 300 बच्चे एक ही बैच में पढ़ाई करते हैं, तो उसमें बड़ा डिफिकल्टी लगता है। एंड यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, 1-to-1 डाउट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, अदर इंस्टीट्यूट यहाँ पे फोकस नहीं करते। एंड यहाँ पे बात की जाए आउटकम के बारे में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 गारंटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, और आपका जो एवरेज सीटीसी रहता है 4.6 एलपी आपको देखने को मिलता है। लेकिन अदर में जो एवरेज सीटीसी रहता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 एलपी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है, जो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उस पे काम करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको 9+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाएगा जिसको आप खुद करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री टूल्स पे बहुत फोकस करती है, तो वो सारे टूल्स आपको आने चाहिए, तो यहाँ पे आपका फोकस किया जाएगा इंडस्ट्री टूल्स पे। लेकिन अदर इंस्टीट्यूट इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। बात की जाए यहाँ पे कैरियर प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रिज्यूम कैसे बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बिल्डअप करना है, क्योंकि अभी मैटर करता है लिंक्डइन। लिंक्डइन अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया रहेगी तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी रहेगी, तो उस पर फोकस किया जाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स आपको दी जाएगी, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू आपको देखने को मिलता है, कैरियर मेंटरशिप आपको देखने को मिलती है इनके इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा। साथ ही साथ अदर इंस्टीट्यूट इस पे फोकस नहीं करता। अब बात की जाए यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जानने के इच्छुक रहते हैं कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात की जाए सैलरी पैकेज के बारे में, तो इनका जो मीडियम सैलरी पैकेज है वो 6.5 लाख रुपये अभी तक गया है, और इनका जो हाइस्ट सैलरी पैकेज है वो अभी तक 9 लाख रुपये गया है। जैसे कि नितिन है जिनका 9 लाख रुपए गया है, और यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के बच्चे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं रहती, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पृथ्वी है जिनके 9 लाख रुपए पैकेज के जॉब लगी है, सूर्या है, उपेंद्र है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत ही तगड़ा सैलरी पैकेज गया है, और ये नॉन टेक्निकल के भी हैं और ये टेक्निकल के भी हैं, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया फील्ड आपको ये देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ब्राउचर को कैसे डाउनलोड करना है, इनरोल कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक आपको दे रखा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक बटन दिखेगा डाउनलोड ब्राउचर का, आपको कुछ नहीं करना है, इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन होगा, और यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म दे रखा है जिसको आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पासआउट ईयर कौन सा है, और आप कौन से सेंटर को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बेहतर अगर आप समझना चाहते हैं चीज़ों को और आपको जॉब भी यहाँ पे मेट्रो सिटी में ही करनी है, तो आप इसको ऑफलाइन भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद का लोकेशन है, मैं डायरेक्टली इसको बेंगलोर से करना चाहूँगा। और यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा, आपके सामने एक सबमिट का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, ब्राउचर को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इवन इनकी जो टीम है, इनके काउंसलर हैं, वो आपको कॉल करेंगे और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वहाँ पे वो आपके क्लियर करेंगे। वैसे मैंने आपको सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे रखे हैं, जल्दी से यहाँ पे जाके इनरोल कर लेना, सीट यहाँ पे लिमिटेड है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।